हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को हमने बताया था आवेश क्या होता है। बताया था आवेश किसी पदार्थ किसी वस्तु का आवरण है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। आवेश को दो प्रकार से बताया था, एक धनावेश और एक आपका क्या था ऋण आवेश। दो धनावेश को पास पास लाए तो उनके भी प्रतिकर्षण बल लगता है, दो ऋण आवेशों को पास पास लाए तो भी उनके भी प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक। लेकिन एक धनावेश और एक ऋणावेश को पास पास लाने पर उनके बीच जो है आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। आज हम जानेंगे कि ये आवेश कहां से आता है, कैसे उत्पन्न हो जाता है, जो हम आपको बात बताते भी हैं। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक। प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के धनावेश भाग में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्रीय भाग में धनावेशित नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न दिशाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो कुल जितने किसी नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए प्रोटॉनों का कुल आवेश नाभिक के वो इलेक्ट्रॉनों के कुल आवेश के बराबर होने के कारण पूरा परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, ठीक। उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बहुत अधिक होता है और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण कम होता है। तो ये जो दूर स्थित कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन है इनको अगर हम बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे दें तो ये ऊर्जा लेकर बाहर निकल जाते हैं, ठीक। ऊर्जा लेकर ये बाहर निकल जाते हैं, पूरे पदार्थ में गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर परमाणु की आकर्षण नाभिक के आकर्षण से फ्री हो जाएगा उसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बाह्य स्रोत से ऊर्जा लेकर नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही इलेक्ट्रॉन इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश उत्पन्न होता है। कैसे? अब इसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक टुकड़ा है किसी धातु का, मान लो आयरन का टुकड़ा है, तो आयरन में हर परमाणु से दो या तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस पूरे आयरन के टुकड़े में आ जाते हैं, ठीक। अब अगर हम आयरन के टुकड़े को रगड़ दें तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो प्लस ई आवेश आ गया, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो दो प्लस ई आवेश आ गया, है ना, मतलब प्लस दो ई आवेश, तीन निकले तो प्लस तीन ई आवेश, इस तरह से हमारा आवेश उत्पन्न होने लगता है। अर्थात जब दो पदार्थों को उपयुक्त अवस्था में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, ठीक। तो एक पहले जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो धनावेशित हो जाता है और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पदार्थ आपका ऋणावेशित हो जाता है, ठीक। देखिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये सबसे ज्यादा धातुओं में होते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10^29 प्रति मीटर क्यूब होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10^10 सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है धातुओं में होता है और फिर धातुओं में सबसे ज्यादा चांदी का होता है, उससे कम तांबे का, और जिस धातु में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो पदार्थ या वो धातु उतनी ही बढ़िया चालक होगी, ठीक। तो चालक पदार्थों की पहचान है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य है बहुत कम है वो अचालक के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो चांदी सबसे अच्छा चालक है धातुओं में क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम आपका जो है तांबे का है, उससे कम सोने का है, फिर एल्यूमिनियम का, लोहे का, फिर अन्य धातु में आती है, ठीक। जैसे कहा जाए कि चांदी तांबा सोना एल्यूमिनियम को चालकता के बढ़ते क्रम में लिखी, जैसे लिखा हो चांदी का तांबा, ठीक है, या ऐसे लिखा हो तांबा का एल्यूमिनियम
ठीक है। फिर लोहा, कॉपर मतलब तांबा, सोना को चालकता के बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखिए, ध्यान देंगे तो सबसे कम चालकता है इसमें लोहे की, उससे ज्यादा चालकता है एल्यूमिनियम की। और या ऐसा कर ले, चालकता के घटते क्रम में लिख लो और अच्छा है, घटते क्रम में सबसे ज्यादा वाला पहले हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, चांदी, उसके बाद क्या आएगा, तांबा, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके बाद लोहा। तो ये चालकता का घटता क्रम, सबसे ज्यादा चालकता चांदी की, उससे कम तांबे की, उससे कम होगी किसकी, एल्यूमिनियम की, और सबसे कम किसकी होगी, बोलो, सबसे कम होगी आपकी लोहे की, ठीक। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखो पदार्थों को तीन भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से, ठीक। पहला भाग है चालक, दूसरा है अचालक, और तीसरा है अर्धचालक। ध्यान देना है सभी को, चालक क्या होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है, ठीक है। चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है, वो आपके चालक कहलाते हैं, ठीक। लिख देंगे यहां पर, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है, मतलब आवेश जिनमें बह सकता है, ठीक, जिनमें आवेश का जो है प्रवाह हो सकता है, फ्लो हो सकता है, सुगमता से प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जिनमें आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है वो चालक कहलाते हैं, जैसे चांदी, चांदी जो है चालक है, ठीक, तांबा, एल्यूमिनियम, और भी बहुत सारे चालक पदार्थ हैं, ग्रेफाइट, लोहा, सोना आदि सभी चालक पदार्थ होते हैं। फिर आप क्या आते हैं, अचालक पदार्थ। अचालक क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता या जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश नहीं प्रवाहित होता है, नहीं प्रवाहित होता है, अचालक कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, ठीक। जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम अचालक कहते हैं, ठीक, जैसे मोम, रबड़, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, है ना, ये सभी आपके जो पदार्थ होते हैं अचालक, इनमें आवेश नहीं बहता है, ठीक, और इनमें आवेश बहता है इसलिए परिपथों में मेही के तारों का यूज करते हैं अधिकतर, ठीक। इसके बाद एक और पदार्थ का प्रकार आता है अर्धचालक। कौन सा, अर्धचालक। देखो चालक को कहते हैं कंडक्टर, अचालक को कहते हैं इंसुलेटर, और अर्धचालक को कहते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक। ध्यान दीजिए अर्धचालक क्या है, कि ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं,
देखिए ध्यान देना, अर्धचालक देखो ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं, लेकिन अगर उनका हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो चालक बन जाते हैं, तथा उच्च तापों पर ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में यहां तो लिख सकते हैं अचालक व्यवहार करते हैं। ठीक, तथा उच्च तापों पर चालक व्यवहार करते हैं, मतलब सामान्य अवस्था में उनसे आवेश का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन उच्च ताप पर आवेश का प्रवाह होगा, उच्च तापों पर चालक व्यवहार करते हैं, चालक जैसा व्यवहार करेंगे। ठीक, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन मुख्य रूप से प्रमुख अर्धचालक। ठीक, सेलेनियम भी होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है, कार्बन भी अर्धचालक के अंतर्गत है, आदि के जरिए मुख्य रूप से आप ये याद रखेंगे, जर्मेनियम और क्या याद रखेंगे, सिलिकॉन। ठीक, ध्यान दीजिए, वैसे चालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, और अचालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, होती ही नहीं, और अर्धचालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उच्च तापों पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, सामान्य ताप पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद आप यहां पर पढ़ेंगे वैद्युत विभव, ध्यान देना वैद्युत विभव क्या है, प्रमुख राशि है, इसको डिफाइन करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, जैसे ऊष्मा हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर आती है, उसी प्रकार जो आवेश होता है जब बहता है तो हमेशा उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर बहता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो जैसे हमारे पास यहां कोई पॉइंट है, ठीक, और हम किसी आवेश को, मान लो प्लस क्यू आवेश को अनंत से लेकर आए और अनंत से लेकर यहां पर आए यहां, तो हमें जितना कार्य करना पड़े, मान लो कार्य डब्ल्यू करना पड़े, तो कार्य और आवेश के मान का जो अनुपात होता है वो इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान का अनुपात उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। कोई आवेश कहीं से अनंत से लेकर आओ और यहां एक निश्चित बिंदु ले लो, वहां पर मान लें, और दरअसल निश्चित बिंदु क्या होता है, यहां भी कोई चार्ज होता है, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, और हम कोई दूसरे क्यू डैश चार्ज को ला रहे हैं, क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो जैसे जैसे उस चार्ज को इधर बढ़ाते जाओगे इस पर प्रतिकर्षण इसके द्वारा उस पर लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगने के कारण हमें कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य और जिस आवेश को ला रहे हैं उस आवेश के मान का जो अनुपात होता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो डिफाइन करते समय इसको लिखते हैं कि किसी आवेश को अनंत से, ठीक है, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक
लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसका प्रतीक V है और V बराबर अगर हम किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने और लाने में W कार्य हो तो V बराबर हो जाएगा W का Q। मात्रक देखो, इसका मात्रक हो जाएगा W का मात्रक क्या होता है, जूल कार्य ना, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक बन जाएगा जूल प्रति कूलाम, या फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब जैसे आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन हो कि हम दो कूलाम आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और किसी बिंदु तक लाने में हमें 20 जूल कार्य करना पड़ेगा, कहा जाए उस बिंदु पर कार्य विभव बताओ, तो V बराबर आप लगाएंगे W बान के हो, ये कार्य हो गया, ये आवेश हो गया, कार्य 20 जूल आवेश को 2 से 10 बार तो 10 वोल्ट विभव आ जाए। तो इस प्रकार से अगर कोई उभयचल होता है उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको हम बताएंगे कोई परिपथ सर्किट क्या होता है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसे निकालते हैं, ठीक, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।